दोस्तों आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप से यह सवाल करें कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण तक दे सकता हूं? क्या मैं जीवन की किसी भी परिस्थितियों में यीशु मसीह के लिए खड़ा हो सकता हूं? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और वचन में आगे बढ़ने लगते हैं, तब शैतान हमें परीक्षा में डालने के लिए हर संभव कोशिश करता है। हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किस तरह हमें पाप में गिराए और परमेश्वर से दूर करे। जैसा कि वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। देखिए, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में कलेश और सताव और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मसीह में आने के बाद जीवन में दुख तकलीफें नहीं बल्कि सिर्फ खुशियाँ ही होगी। नहीं, क्योंकि हम सब कलेश के लिए ही ठहराए गए हैं। प्रेरितों ने भी कहा है कि बहुत से दुख तकलीफ और कलेश उठाकर हमें स्वर्ग में प्रवेश करना होगा, पर इससे हमें घबराना नहीं है और शैतान की परीक्षाओं से डरना नहीं है, वरन परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करना चाहिए। जैसा कि याकूब 4:7 में वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिम कैबिएजल की गवाही को आपके सामने पेश कर रहे हैं। शायद आप लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, पर 2004 में आई थी पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी के बारे में आप सभी जानते होंगे और आपने इस फिल्म को देखा भी होगा, जिनमें इन्होंने यीशु मसीह का कैरेक्टर प्ले किया था। इस मूवी में क्रूस बलिदान के समय यीशु मसीह के कष्ट और असहनीय पीड़ा को लोगों के सामने असल तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश किया गया है, ताकि लोग यीशु मसीह के उस दर्द और पीड़ा को अपने अंदर अनुभव कर सके। जिम कैबिएजल बताते हैं कि शूटिंग के दौरान उन्हें अनजाने में काफी कोड़े लग गए थे और वह बहुत बुरी तरह से चोटिल भी हो गए थे, और जब वह रास्ते पर क्रूस उठाकर जा रहे थे तब एक शैतान उन्हें भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जिम परीक्षा से पीछे नहीं हटते और परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। जबकि उनके शरीर की हालत बुरी तरह से खराब हो चुका था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को सौंप दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इवन डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि शायद अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन जिम कैबिएजल ने कहा कि अब मैं परमेश्वर के लिए अपना प्राण देने को भी तैयार हूँ। इस फिल्म को करते हुए अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी बहुत सारे लोगों के जीवन बचाए जाएंगे। तो आइए जिम कैबिएजल की गवाही को सुनते हैं। जैसे कि ये अक्सर होता है कि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शैतान आकर आपको दबाने की कोशिश करता है। मैं भी अचानक से सोचने लगा कि मुझे इस फिल्म के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने तो इतने गलत काम किए हैं, जब लोगों को पता चलेगा तो ये सही नहीं होगा और मुझे इस फिल्म के लिए ना कर देनी चाहिए, मैं इस मूवी के लायक नहीं हूँ। और फिर डायरेक्टर ने भी मुझे कॉल किया और कहा कि शायद इस फिल्म के बाद तुम इस शहर में एक्टिंग नहीं कर पाओगे और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होना चाहता। और मुझे भी डर लगने लगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि इस काम के लिए परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं, मेरा ये टैलेंट परमेश्वर की ओर से है, ना कि इंसानों की ओर से। और मैंने अपने आप से कहा कि हम सब बुलाए गए हैं अपने अपने स्लीब उठाने के लिए, और अगर हम अपने स्लीब को नहीं उठाएंगे तो इसके वजह से ज़रूर कुचले जाएंगे। जब सवाल आता है इस फिल्म को करने के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि अगर हमने ये मूवी किसी नियंत्रण सेटिंग में की होती तो आप शायद असल प्रदर्शन को कभी नहीं देख पाते। ये सच में बहुत ही दर्दनाक और पीड़ा से भरा हुआ था। शुरुआत में ही मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं यीशु के जैसे बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे देखें, मैं चाहता था कि लोग यीशु मसीह को देख सकें, कि जब लोग इस मूवी को देखें तो वो अपने आप को देख सकें, जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं ऐसे नहीं, पर परमेश्वर की नज़र से कि वो हमें कैसे देखता है। अनजाने में मुझे बहुत कोड़े भी लग गए थे और मैं बुरी तरह से चोटिल हो गया था। जब मैं स्लीव को उठाया हुआ था तो मेरा ये कंधा बुरी तरह से जख्मी था। मूवी को करने से पहले मेरा वजन तकरीबन 210 पाउंड के आसपास था, पर मूवी के बाद जब मैं स्लीव पर था मेरा वजन 168 पाउंड ही रह गया था। मैं बहुत बीमार हो चुका था, मेरे दोनों फेफड़े तरल पदार्थ से भर गए थे, निमोनिया हो गया था। और जब शूटिंग ख़त्म हुई तो बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन मुझे दिल की सर्जरी करवानी पड़ी थी, और शूटिंग के अंतिम दिन में आसमानी बिजली मुझ पर गिर पड़ी थी। और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मैं बहुत ही एक गहरी परिस्थिति में था, और पूरी शूटिंग के दौरान मैं लगातार प्रार्थना करता रहता और वचनों पर मनन करता था। और जैसे कि आप कहोगे कि मैं चरित्र में कैसे बना रहा, तो ये एक बहुत ही एक जरूरी सवाल है, क्योंकि मैं जानता था कि लोग यीशु को तभी देख पाएंगे अगर हम प्रार्थना और उपवास में बने रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास रखना तो शीघ्र था मेरे बीमार होने की वजह से। और फिर मूवी के अंत में
जब मैं स्लीप पर था तो मेरा पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये कोई मेकअप नहीं था, मेरा शरीर सचमुच नीला पड़ गया था। स्लीप के ऊपर मेरा ये का बहुत ही बुरी हालत में था और वो दर्द मेरे सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर थी और मैं इतना बीमार था कि अगर ये कंधा निकल भी जाता तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। और मेरे दिल में भी मुझे कुछ समस्या महसूस हो रही थी। और फिर जब डॉक्टर ने मशीन लगाकर चेकअप किया तो उसने हमारे डायरेक्टर मेल गिब्सन से कहा कि ये मर सकता है। तो हमारे मेल गिब्सन भी सोचने लगे और फिर मुझसे कहा कि जिम क्या करना है। तो मैंने मेल गिब्सन से कहा कि मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ, ये अब मेरे और परमेश्वर के बीच का मामला है, तो मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझा था और उस समय मैं बिल्कुल तैयार था परमेश्वर के पास जाने के लिए। पर मैं जानता था कि अगर मैं इस फिल्म को बनाते हुए मर भी जाऊं तो बहुत से लोग इस फिल्म के द्वारा बचाए जाएंगे। मूवी के अंतिम सीन में जब मैं चट्टान के ऊपर चढ़ रहा था तो आधे रास्ते में, जबकि हर कोई अपने अपने पोजीशन में था, उस समय वहाँ पर तकरीबन 250 के करीब कुछ लोग थे, तो रास्ते में ही मुझे एक साया महसूस हुआ। ये एक बुरी आत्मा थी, मुझे भटकाने के लिए कहा कि तुम तो मर रहे हो। तो मैंने कहा कि ये तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अब किसके पास जा रहा हूँ। स्लीप के ऊपर जब मैं, तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब स्लीप के ऊपर किसी की मृत्यु होती है तो वो दम घुट के ही होती है, और शारीरिक तौर पर मैं भी इसी तकलीफ़ से जूझ रहा था। शायद हमारा प्रभु चाहता था कि मैं भी उस दर्द को महसूस करूं जो उसने सहन किया था, पर परमेश्वर मुझे संभाल रहा था और मेरा हाथ पकड़े हुए था, और वो शायद चाहता था कि तुम कहां तक मेरे साथ चल सकते हो। और मैंने कहा कि प्रभु मेरा कतरा कतरा हाजिर है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सप्ताह में सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके आप ओलंपिक एथलीट या फिर विश्व प्रसिद्ध चैंपियन नहीं बन सकते हैं। यीशु को अपने जीवन में आपको हर पल प्रतिदिन लेना है। यीशु ही आपकी सच्चाई है, वो आपकी ज़िंदगी है, वो आपके साथ हर पल रहना चाहता है, आपके जीवन का वो कोच है। जब आप गिरते हैं तो वो आपको हिम्मत देता है फिर से चलने की, वो आपको सहारा देता है, वो चाहता है कि आप उसके लिए और ज़्यादा, वो आपको उत्साहित करता है कि आप उपवास करें, लगातार प्रार्थना करें, सप्ताह में बस एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन। आप में से जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है उसे आप दिल में बिठा कर रखें, क्योंकि जब कभी भी आप पाप करते हैं आप उसका इनकार करते हैं। पवित्र बनो जैसे कि आपका बुलाने वाला भी पवित्र है।